हेलो स्टूडेंट्स, पिछले कुछ वीडियोस में हमने सेट के अलग अलग चीज़ें पढ़ी। सेट के बारे में पढ़ा, सबसेट के बारे में पढ़ा, फिर ऑपरेशन ऑन सेट्स, इंटरसेक्शन पढ़ा, यूनियन पढ़ा, उनका डिफरेंस पढ़ा, और फिर हमने उसका कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ा। आज जो है हम सेट्स के बारे में उनके वेन डायग्राम्स पढ़ेंगे। वेन डायग्राम्स, वेन डायग्राम्स आपका यहाँ भी यूज़फुल है, और आजकल तो HSSC यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम लेती है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाने लगे हैं जो वेन डायग्राम की हेल्प से बड़ी आसानी से सोल्व हो जाते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, वेन डायग्राम्स में सबसे पहली बात सीखने की क्या है कि हमारे पास, हम सेट्स को डिनोट करते हैं, एक सेट को हम रेक्टेंगुलर बॉक्स से डिनोट करते हैं जिसको कि हम यू से डिनोट करते हैं, और उसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सेट। क्या होता है प्यारे बच्चों? यूनिवर्सल सेट। क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। और जो बाकी जो सेट होते हैं उनको हम सर्कुलर से लिखते हैं, सेट ए है या बी नाम है या सी नाम, इस तरह से कोई भी नाम है उनको हम सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट को हम बॉक्स में लिखते हैं यू की हेल्प से, और इनको लिखते हैं हम के की हेल्प से। तो देखिए प्यारे बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बातें हम पहले सीखते हैं। पहले हम सीखते हैं कि अगर आपको कहा जाता है, देखिए ये आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो कि हमने कहा यूनिवर्सल सेट यू को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करेगा? यू को। वेन डायग्राम्स में जो है यूनिवर्सल सेट का ये डायग्राम बनता है। लेट हमें इसके अंदर ए सेट शो करना है, सेट ए शो करना है। तो प्यारे बच्चों, ये इस बॉक्स के अंदर ही रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि कंटेंट में जो सेट दिए हुए हैं वो सभी यूनिवर्सल का हिस्सा है। ये प्यारे बच्चों आपका सेट ए है। अब सवाल ये आता है कि सर ये जो जगहें बच गई बाकी ये कौन सी है? तो प्यारे बच्चों, ये जो बच गया है ये ए कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में सीखा था जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो होता है यू माइनस ए। क्या होता है बच्चों? यू माइनस ए। क्या होगा? यू माइनस ए। अब लेट अस सपोज दैट आपने सबसे अगली चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? यूनियन। तो अगर आपको दो सेट दे दिए जाते हैं, लेट ए यूनियन बी, तो आपसे कहता है कि आप डायग्राम बनाइए ए यूनियन बी का। किसका बनाइए बच्चों? ए यूनियन बी का। तो हम रेक्टेंगुलर बॉक्स लेते हैं और रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देते हैं यू। क्या बना देते हैं? यू। ए यूनियन बी, तो हम सेट ए ये बना देते हैं, ये आपका सेट ए हो गया, ये आपका सेट बी हो गया। अब कहता है ए यूनियन बी, तो प्यारे बच्चों हमने सीखा था कि जो ए यूनियन बी है, कौन है? ए यूनियन बी है, उसके अंदर सेट ए और बी के एलिमेंट्स इकट्ठे कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं? इकट्ठे कर दिए जाते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि ए यूनियन बी जो है ये चीज़ बनेगी, ये ऐसे हमारा घूम रहा है, और ये यहाँ से हम फिर अब ये बी की बाउंड्री बना जाते हैं, और बी के बाहर बाहर घूमते हुए बाउंड्री के सहारे सहारे हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ ए और बी की इस संयुक्त बाउंड्री के ऊपर से ये शुरू हुआ था। इसके अंदर जो चीज़ है वो ए यूनियन बी होगी, यानी कि इसको अब जिसका हमें वेन डायग्राम बनाना होता है जिस जगह का, उसका हम ऐसे सेडेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों? उसको हम सेडेड कर देते हैं। ये देखिए, इसको आगे तक कीजिए क्योंकि यूनियन में तो पूरा ही आएगा। इस तरह से चलिए, इससे बाहर भी नहीं ले जाना है प्यारे बच्चों, जितनी जगह है उतनी ही कीजिए। कि जितना हमारा घर है हम उसी में रहेंगे, दूसरे के घर में हम कैसे रह सकते हैं? वो तो एक दो दिन खाना पीना खिलाएंगे और फिर कह देंगे भाई जाइए अपने घर। तो ए यूनियन बी का जो है हम इस प्रकार से वेन डायग्राम बनाते हैं। लेट अस सपोज दैट आपसे कहा जाता है कि आप ए इंटरसेक्शन बी का बनाइए। किसका बनाइए? ए इंटरसेक्शन बी का। तो प्यारे बच्चों, ये हुआ आपका यूनिवर्सल सेट ए, ये हुआ आपका सेट ए, और ये हुआ आपका सेट बी। तो प्यारे बच्चों, फ्लैशबैक में जाइए, वीडियो में जब हमने इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ाया तो वहाँ पर हमने बताया था कि इंटरसेक्शन कौन सा होता है। इंटरसेक्शन वो होता है जो कॉमन होता है। तो इसमें वो जगह ढूंढिए जो ए की भी है और बी की भी है,
हम नज़र दौड़ाते हैं बेटा, तो ये बाउंड्री के सहारे हम घूमे और वापस यहाँ से इस बाउंड्री से हम घूमते हुए आ गए। तो इन दोनों के बीच की जो जगह है प्यारे बच्चों, वो जो है ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन एरिया है। ये देखिए, ये आपका प्यारे बच्चों ए इंटरसेक्शन बी हुआ। क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी। लेट अस सपोज दैट अगले की तरफ हम जाते हैं, ए माइनस बी बनाना है, ए माइनस बी बनाना है। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट हुआ यू। लेट सपोज दैट ये है आपका सेट ए और ये है आपका सेट बी। तो ए माइनस बी, जब ये ऑपरेशन हमने पढ़ा तो क्या पढ़ा था कि ए माइनस बी, ए में से वो चीज़ हटा देंगे जो बी की भी है, यानी कि ए में से ए इंटरसेक्शन बी का हिस्सा हटा दिया जाएगा, यानी कि सिर्फ वो जगह आपको रखनी है जो अकेले बी की, ए की है। तो अकेले ए की तो प्यारे बच्चों सिर्फ इतनी ही है, भीतर इसके अंदर आ जाते हैं हम, ये जो चांद सा बना हुआ है कटा इसके अंदर। तो प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो गया, ए माइनस बी। अगर पूछता बी माइनस ए तो हम ये ले लेते हैं। तो इस प्रकार से आपके वेन डायग्राम्स होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्स की तरफ। किसकी तरफ जाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स की तरफ। लेट अस सपोज दैट आपको कहा जाता है कि आप जो है वेन डायग्राम बनाइए ए कॉम्प्लीमेंट का। तो प्यारे बच्चों आप यूनिवर्सल सेट यू बनाएंगे, उसके अंदर जो है आप सेट ए बनाएंगे। अब ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा था? यू माइनस ए इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट होता है। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। ये यू को थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं। हाँ, ये यू माइनस ए इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट हम पढ़ चुके हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट यू में से ए को हटा दीजिए। तो ये जगह तो ए की है और बॉक्स में सारी की सारी यू की है, तो यू में से हम ये हटा देते हैं। तो बाकी ये जो जगह बच गई है ये किसकी है प्यारे बच्चों? किसकी है? ए कॉम्प्लीमेंट की। किसकी है? ए कॉम्प्लीमेंट की। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि दो तीन सेटों को मिक्स करके ऑपरेशन लगा के फिर यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के बारे में पूछा जाता है। लेट अस सपोज दैट आपसे कहा जाता है कि आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताइए। तो प्यारे बच्चों ये है आपका सेट यूनिवर्सल सेट यू, इसमें हम बनाएंगे ए और हम बनाएंगे बी। ये हुआ ए, ये हुआ बी। इसने कहा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब वो जगह जो ए और बी के यूनियन में नहीं है, यानी कि वो जगह जो ना तो ए में है और ना ही बी में है। तो प्यारे बच्चों वो कौन सी हुई? वो तो ये हो गई, ना ए में है और ना ही बी में है। थोड़ी बहुत लाइन हम जल्दी से बनाते हैं, अंदर चली जाती है तो उनको आप बाद में साफ कर दीजिए। ये आपका हुआ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अब जो है वेन डायग्राम्स में प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पर लिख देता हूँ, उनके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। कुछ बुक में आपके भी क्वेश्चन दिए हुए हैं प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। और वो क्वेश्चन सिर्फ सोल्व नहीं करने हैं, उन क्वेश्चंस को सोल्व करके आपको अपने असाइनमेंट में सबमिट भी करने हैं। एज ए असाइनमेंट मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिख देता हूँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। सबसे पहला ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, दूसरा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का, तीसरा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कोशिश कीजिएगा ध्यान से, थोड़े से आराम से सभी बन जाएंगे। चौथा ए माइनस बी, पांचवा बी माइनस ए, छठा ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, सातवां ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट, उससे अगला ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने 7-8 क्वेश्चन आपको दिए हैं प्यारे बच्चों, आप इन्हीं 8 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करके अपना वेन डायग्राम बनाइएगा। और प्यारे बच्चों वेन डायग्राम बना के आपको ये सबमिट भी करने हैं आपकी ऐप के जरिए। आप ये अपने वेन डायग्राम्स पेज पे बनाएंगे और आपको जो लगेगा कि बिल्कुल मैंने अब ये सही बनाए हैं,
उनकी फ़ोटो आप साफ़ कीजिएगा। और बच्चों मैं रिपीट करता हूँ, बताता हूँ कि फ़ोटो आपके एकदम साफ़ होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए। साफ़ कब आएगी? जब आप फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं उस वक्त पे ना तो आपका फ़ोन हिल रहा होना चाहिए, ना आपका पेज हिल रहा होना चाहिए। वो जो साफ़ फ़ोटो आएगी आप उसको अपलोड कर देंगे, जो सबमिट असाइनमेंट नाम का टैब आपकी ऐप के अंदर है आप उसमें सबमिट कर दीजिए। जो बच्चे स्टूडेंट नहीं हैं, स्कूल के बाहर के हैं और अगर वो वीडियो देख रहे हैं, तो प्यारे बच्चों आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप भी पूछ सकते हैं, लेकिन आप ऐप के जरिए नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि ऐप सिर्फ स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप जो है यूट्यूब के नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।